जब भी बात स्नैक्स की आती है तो मखाने को एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। हो भी क्यों ना, ये इतना स्वादिष्ट और हेल्दी जो होता है। मखाने को तो इतना पवित्र भी माना जाता है कि व्रत और उपवास के खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोस्टेड मखाना हो या मखाने की खीर, इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। ये तो सबको पता है कि मखाना एक पेड़ से आता है, लेकिन क्या आपको पता है मखाना किस पेड़ से आता है और इसे कैसे बनाया जाता है? तो चलिए आज हम आपको मखाने के बारे में बताते हैं कि इसे कैसे उगाया जाता है और खाने लायक बनाया जाता है। मखाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैलोरी जैसी कई चीजें होती है। मखानों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ मखाने ग्लूटेन फ्री भी होते हैं। मखाने में कोलेस्ट्रॉल और सोडियम काफी कम मात्रा में होता है, इसलिए यह सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते। चलिए अब जानते हैं कि मखाने आखिर कहां से मिलते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फॉक्स नट कहे जाने वाले मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं की जाती है, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाना असल में कमल के फूल के जैसे एक पानी में उगने वाले पौधे वाटर लिली का बीज होता है, जिसे प्रोसेस किया जाता है और बाद में यह मखाना बनता है। वो खूबसूरत फूल जिसे लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, वही फूल हमें मखाना देता है, इसलिए इस मखाने को इतना शुद्ध माना जाता है। इन फूलों से निकलने वाले बीज जब तालाब के नीचे जमा हो जाते हैं, तब इन्हें निकालने और इकट्ठा करने का काम शुरू होता है। मखाना हार्वेस्ट करने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाया जाता है जिन्हें इस काम का अनुभव होता है। इन बीजों को तालाब से निकालने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। मखाने के बीजों को इकट्ठा करने के बाद इसकी सफाई और स्टोर करने का काम किया जाता है। इन्हें बड़े बड़े पतीलों में रखकर उन्हें लगातार हिलाया जाता है। ऐसा करने से मखाने के ऊपर लगी गंदगी साफ हो जाती है और फिर इसे पानी से बार बार धोया जाता है, जिससे इनमें लगी गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाए। फिर इन बीजों को चटाई पर फैलाकर कड़ी धूप में सुखाया जाता है। सूखे हुए बीजों को बड़ी बड़ी लोहे की छलनियों से गुजरना होता है। इस प्रोसेस में अलग अलग साइज के बीज अलग हो जाते हैं और सभी बीजों को अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। इसके बाद मखाने के सूखे बीजों को रोस्ट यानी भूना जाता है। इन्हें एक बार हल्का रोस्ट करने के बाद बांस के कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है, ताकि इनका तापमान सही बना रहे। इसके कुछ घंटे के बाद इन्हें फिर से रोस्ट किया जाता है और जैसे ही एक बार बीज फट जाता है तो उसमें से सफेद रंग का मखाना निकलता है। इस तरह कड़ी मेहनत के बाद बनता है स्वादिष्ट मखाना और एक बार सफेद पफ निकल आए तो उसे हाथ से भी साफ किया जाता है, ताकि बीज का कोई हिस्सा उसमें रह ना जाए। चलिए अब जानते हैं मखाने की सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होती है। उत्तर पूर्वी बिहार को मखाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी बिहार के दरभंगा, सहरसा, माधेपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और समस्तीपुर जिले मखाने के लिए जाने जाते हैं। अकेले मधुबनी जिले में ही 25,000 से भी ज्यादा तालाब है जहां मखाने की खेती की जाती है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में लोग उत्तरी पूर्वी बिहार में पैदा होने वाले मखानों को बड़े चाव से खाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।